Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Now take out your polls book. This is your polls book, and our running chapter is chapter number 2. Okay, now open your book. Page number is 106. Yes. Your page number is 106 and today's topic is comparing numbers. Okay, today's topic is comparing two systems. Means in this we will compare the two system, that is first is the Indian system and the another one is the international system. Okay, in Indian system, see, TC is used for 10 crore. And in international system, HM is used for 100 million. Okay. Then C is crore for, and in international system, TM is crore for, TM is for 10 million. Okay. Now in Indian system, it is 10 lakh. And in international system, it is million. Okay, now in Indian system it is lakh and in international system it is 100,000. In Indian system it is 10,000 and in international system it is 10,000. Means from here 10,000, it is similar, both are similar, but the difference is there is 10 crore, 100 million, crore, 10 million, 10 lakh, million, lakh and 100,000. Okay. Now see, in both the system, 5-digit numbers are read in the same way. Indian system, international system. See, 6-digit number ko hum read karte hain as a 5 lakh. Means isme bola gaya hai, dono system mein 5 digits के जो number हैं उसको same read किए जाते हैं. देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 digit के number थे, इनको same read किए जा रहे हैं. जो उससे ज़्यादा हैं उनमें थोड़ा difference है. Okay, so reading में difference है, writing में difference है. ठीक है students, समझ आया आपको ये वाला? ये सब हमने पढ़ा हुआ है पहले ही. ये HM, TM, ये तो आपको पता है ना, short form इन सब का वही चीज़ है. अभी नाउ सी, 6-digit नंबर को क्या बोलेंगे, एज अ 1 lakh. और वही अगर इंटरनेशनल सिस्टम में देखा जाए तो 100,000 बोलते हैं. ठीक है, देन 7-digit नंबर को 10 lakh काउंट करेंगे और 10 lakh बोलेंगे, और इन इंटरनेशनल सिस्टम इट विल बी अ 1 million. ओके, 8-digit नंबर 1 crore, 10 million. इन इंटरनेशनल सिस्टम 10 million. 9-digit नंबर 10 करोड़ एंड इन इंटरनेशनल सिस्टम इट इज 100 million. ओके, अंडरस्टूड चिल्ड्रन? नाउ सी क्वेश्चन, सी एक्सरसाइज 2.4. Mark the periods with a comma according to both the Indian and international place value system. Write the numbers in word in each system. Means इसमें क्या करना है students? हमें पहले periods बनाना है with commas. ठीक है, फिर उसके बाद मतलब according to both Indian and international system, दोनों के हिसाब से हमें periods बनाना है, then comma लगाना है. देन उसके बाद राइट द नंबर्स इन वर्ड इन ईच सिस्टम. मीन्स ये जो नंबर्स दिए हुए हैं वो हमें दोनों सिस्टम में वर्ड्स में लिखना है. तो स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको ईजिली बताती हूँ आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो. सी, ये कॉमास का कॉलम बनाना है, इधर कॉमास, कॉमास में ये इंडियन सिस्टम एंड अनदर कॉलम इज इंटरनेशनल सिस्टम. ओके, ये आपने ऐसे कॉमा बनाया. देन उसके बाद अदर जो दूसरा कॉमा होगा, वर्ड्स वाला कॉमा होगा, उसमें भी होगा एक इंडियन सिस्टम
एंड अनदर वन इज इंटरनेशनल सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, जगह चाहिए इस वजह से मैंने लिया। आपको ऐसा बॉक्स बना देना, यह अच्छा रहेगा आपके लिए, इजी रहेगा ये, जस्ट लाइक दैट। ओके, और इधर एक कॉलम बना देना वो जिसमें आप नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। सो पहला नंबर है स्टूडेंट्स 2, 3, 6, 5, 3, 5, 8। हम इसे इंडियन सिस्टम में कैसे लिखते हैं विद कॉमा के साथ? सी स्टूडेंट्स, इन इंडियन सिस्टम पहले आप ऐसे लिख दो, नंबर्स लिख दो दोनों में, 6, 5, 3, 5, 8, 2, 3, 6, 5, 3, 5, 8, ठीक है। इंडियन सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट्स, लास्ट थ्री डिजिट कॉमा, देन उसके बाद टू टू डिजिट का कॉमा होता है, ठीक है सी। और इंटरनेशनल सिस्टम में थ्री थ्री डिजिट्स के कॉमा होते हैं, ठीक है सी। थ्री थ्री डिजिट्स छोड़ने के बाद कॉमा आता है, ठीक है, समझ आया स्टूडेंट्स आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम का कॉमा का डिफरेंस। नाउ अब इंडियन सिस्टम में इसे रीड करो स्टूडेंट्स, सो रीड करो इसे, 23,65,358, तो वैसे ही लिखना है स्पेलिंग, TWENTY 20 THREE LAKH लैक 23 लैक, SIXTY 65,000 THREE 300 FIFTY 50 एंड EIGHT 8। इन इंडियन सिस्टम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसको हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ तो हम इसे कैसे लिखेंगे ये बताओ आप। सो स्टूडेंट्स पहले तो रीड करो इसे, कैसे रीड करेंगे फिर लिखना। सो 2,365,358, ओके, 2,365,358, ओके सी, दिस इज आवर फाइनल आंसर। देन ये हो जाने के बाद सेकेंड नंबर वहीं से स्टार्ट कर दो सी, इट इज इजी वे टू डू, ओके। सेकेंड नंबर यहां से स्टार्ट कर दो, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ओके, अंडरस्टूड चिल्ड्रन। नाउ रीड द क्वेश्चन बी, कंपेयर ईच पेयर ऑफ नंबर पुटिंग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन इन दी। इसमें लेस देन और इक्वल टू साइन में स्टूडेंट्स पहला स्टेप ये होता है कि हम डिजिट काउंट करें, देन डिजिट काउंट करने के बाद जो नंबर बड़ा है उसकी साइड पे माउथ क्या होगा, ओपन, और जो नंबर छोटा है उसकी साइड पे माउथ क्या होगा, क्लोज। और जब दोनों ही साइड नंबर्स भी सेम है और डिजिट्स भी सेम है तो उधर लगेगा इक्वल टू की साइन, ओके। सो फर्स्ट काउंट द डिजिट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सी नंबर्स मीन्स डिजिट सेम है। अब हम नंबर्स देखें, फर्स्ट डिजिट है 3, सेकंड डिजिट है 5, थर्ड डिजिट है 4, फोर्थ डिजिट है 2, फिफ्थ डिजिट है 7 एंड 4। सी डिफरेंस इधर है स्टूडेंट्स, इधर 4 है इधर 7 है, सो 4 बड़ा है कि 7, यस 7 बड़ा है, तो 7 वाले साइड हो जाएगा माउथ ओपन, जस्ट लाइक दैट, ओके। नाउ दिस 3 यू हैव टू डू बाय ओन, ओके। नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर सी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स नेम्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। हमें ये जो नंबर्स दिए हुए हैं उसे हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में, ये जो दिया है इसे हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में इनके नेम्स देने हैं, ठीक है। मीन्स हमें ये दिया गया है, सी रीड करो फर्स्ट वाला, 15,10,314, ये हमें दिया गया है स्टूडेंट्स कौन से वाले में, कौन से प्लेस वैल्यू सिस्टम में दिया है ये बताओ। यस, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, हमें इसे कौन से में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स,
इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सी का फर्स्ट, पहले हम इसको न्यूमेरिकल लिखते हैं, देन उसके बाद उसको वर्ड्स में लिख देंगे इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। ओके, सो 15,10,314 सी, जस्ट लाइक दैट। तो पहले इसको आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में कन्वर्ट करो। सो इसमें दो नंबर्स के बाद जीरो है, नंबर ऐसे लिख दिया, देन कॉमा लगा दो, 3-3 नंबर्स के बाद कॉमा लगा दो इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, और सामने लिखना ऐसा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स इसको वर्ड्स में लिख देते हैं, नेम्स लिखने हैं ना इसके, इस वजह से वर्ड्स में लिखना जरूरी है। नाउ इसको रीड कैसे करेंगे, 1,510,314, सो 1,510,314। ओके, अंडरस्टूड चिल्ड्रन दिस वन क्वेश्चन सी फर्स्ट। नाउ लेट्स सी इन द नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर डी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर नेम्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। हमें इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में इसे लिखना है। अभी आगे क्वेश्चन सी था, उसको हमने कन्वर्ट किया इन इंटरनेशनल, अब ये हमें इंटरनेशनल दिया गया है, इसे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सो 350,246,208 सी, क्वेश्चन नंबर डी फर्स्ट। नंबर क्या दिया है इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, 340,246,208। ओके, अब तो पहले तो आप इसे किया क्या करोगे, पहले इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कन्वर्ट करो, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। सो इसको, इस नंबर्स को पहले एज इट इज लिख दो, देन उसके बाद कॉमा लगा दो, दो दो नंबर के बाद। सो अब इसको रीड करेंगे कैसे बताओ, 34,02,46,208 कैसे रीड करेंगे, 34,02,46,208। अब इसको वर्ड्स में लिखते हैं,34,02,46,208 वर्ड्स में ऐसे लिखेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड चिल्ड्रन। नाउ योर होमवर्क इज सी एक्सरसाइज 2.4 पेज नंबर 106 इन CW एंड HW, ये है आपका होमवर्क, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।